आज के अंदर बात करने वाले हम लोग यार एनआईडी 2025 एग्जाम्स के कुछ पेपर पैटर्न मार्किंग सीन के बारे में। आज के वीडियो से पहले यार 2 दिन पहले आपके पास एक मैंने वीडियो रहती थी जिसके अंदर मैंने बात की थी एग्जाम डेट्स के बारे में और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसका प्ले का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ताकि प्ले के अंदर और भी काफी सारे वीडियो आप जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज वीडियो के अंदर आपको काफी सारे कमेंट्स आते हैं इसका क्या एक पेपर पैटर्न रहेगा और क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, अगर वो थोड़ा आइडिया मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वही आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में कहती है एनआईडी की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसका एक डीएटी इसको कहते हैं क्या, एनआईडी डीएटी, बेसिकली इसको मिलाकर कहते हैं एनआईडी डीएटी। डीएटी मतलब इसको कहते हैं क्या चीज, एक डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि आपको बैचलर इन डिजाइन मास्टर इन डिजाइन के अंदर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। और इंडिया के जितने भी टॉप एनआईडी है, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जितने भी टॉप कॉलेज है वहां पर आपको जाने का मौका मिलेगा। तो वहां पर जाने के लिए आपको यही एकमात्र तरीका है जो कि आपको एग्जाम देकर क्लियर करके जाना ही होगा। आगे में बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट रहता है। देखो बेसिकली इसके अंदर बात करते हैं तो सेम बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के इसमें 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जिसको अपन ने नाम दिया क्या प्रीलिम्स और मेंस। देखो होता क्या है ना, आप इसको प्रीलिम्स और मेंस तो नाम दे दिया भैया, जस्ट लाइक यूपीएससी एग्जाम आपने देखा होगा, यूपीएससी एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है इंडिया का सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी एग्जाम जो कहते हैं। यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी 2 चीज होती है, सेम प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पर बस इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर ओनली क्या होता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होता है, राइट। मेंस एग्जाम भी जस्ट लाइक इंटरव्यू है, मान लो इसको इंटरव्यू तरीके से स्टूडियो टेस्ट होता है जस्ट लाइक। खैर बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो होता है वेटेज की बात करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो 40% का वेटेज लेकर चलता है, मेंस एग्जाम होता है वो 60% का वेटेज लेकर चलता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम कब होता है, डेट्स वगैरह क्या है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपको, इस वीडियो पर डाल दी थी कि इसके डेट्स क्या, एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका लिंक पूरी प्लेस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर एक बार देखना। देखो इसके अंदर प्रीलिम्स को फिर 2 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, पहली स्टेज एंड सेकंड स्टेज, राइट। बेसिकली इसको कहते हैं स्टेज नंबर 1, इसको कहते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 1 प्रीलिम्स को फिर यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसमें पहला पार्ट होता है वो होता है जीएटी, नेक्स्ट होता है सीएटी। जीएटी मतलब क्या होता है, उसको हम कहते हैं क्या चीज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। क्या होता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सीएटी क्या होता है, ये होता है आपके पास आपको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर आपको क्या अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, राइट, ये चीज होती है। नेक्स्ट होगा जीएटी जो पार्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर बेसिकली एक एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, चाहे आपके पास इंग्लिश कंप्रेशन वाले क्वेश्चन हो, चाहे कोई केस स्टडीज वगैरह क्यों ना हो, राइट। तो काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहता है, मतलब बेसिकली बात करते हैं एमसीक्यू पार्ट होता है, मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज भी इसमें काफी ज्यादा होता है। तो एमसीक्यू पार्ट रहता है, कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, टोटल 25 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टोटल मिला के यहाँ पर जो है 23 क्वेश्चन होते हैं सब मिलाकर दोनों पोर्शन के। स्टेज नंबर बी देखो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 75 मार्क्स का वेटेज रहता है, बाकी 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 मार्क्स या 20 मार्क्स टोटल। अगर इसको बात करें तो 90 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन यहाँ, टोटल मिलाकर 23 क्वेश्चन हो गए, 25 मार्क्स का वेटेज इसका हो गया, 25 मार्क्स का वेटेज इसका हो गया, टोटल मिलाकर वेटेज कितना हो गया 100 मार्क्स का। तो ये हमारे पास क्या कुल मिलाकर टोटल वेटेज रहता है 100 मार्क्स का वेटेज, राइट। तो ये आपके पास क्या है एक पूरा पूरा रहता है किसका, प्रीलिम्स का रहता है, जो कि आपका अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपके 40% का वेटेज क्लियर कर लेते हो। और इसको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद ही हमको जो है स्टेज नंबर 2 यानी कि मेंस एग्जाम, इसको हम कहते हैं स्टूडियो टेस्ट, यहाँ पर बैठने का मौका मिलता है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये आपका गेट या आपका द्वार है, इस द्वार से आपको निकलना पड़ेगा, आपको पहले परखा जाएगा यहाँ पर। इस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप क्या है स्टूडियो टेस्ट यहाँ पर देने का मौका मिलता है, इसको ऊपर मेंस एग्जाम कहते हैं, इसका 60% वेटेज देता है। ये बेसिकली क्या होगा, ये ओनली इसके लिए होगा जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है। और बेसिकली यहाँ पर क्या कुछ मटेरियल स्केचिंग वगैरह ये कुछ आपके टेस्ट होते हैं, थोड़ा मटेरियल हैंडलिंग वगैरह क्या होता है, मतलब स्केचिंग क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको परखा जाता है, तो ये एक स्टूडियो में आपको बिठाकर सब काम कराया जाता है, राइट। इसके लिए काफी ज्यादा क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, राइट, इसलिए इसको मेंस कहते हैं। 60% वेटेज इसका रहता है, 40% वेटेज इसका रहता है। तो ये पर्पस क्या रहता है। बाकी एग्जाम्स की बात करें भैया, इसके एग्जाम की कौन से एग्जाम, ये वाला एग्जाम, ये प्रीलिम्स वाला एग्जाम, प्रीलिम्स वाला एग्जाम जो टोटल मिलाकर 3 आवर्स का वेटेज रहता है और लैंग्वेज ओनली इंग्लिश ही रहेगी, ये ओनली इंग्लिश मीडियम में ही होता है, मतलब इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी, बाकी और अदर लैंग्वेज किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है, राइट। जैसे बाकी जो भी एग्जाम है, यूसीडी मान लो, एनआईएफटी मान लो, ये सब एग्जाम जो इंग्लिश में ही चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या था डिजाइन टेस्ट के बारे में, इसको कहते हैं एनआईडी डीएटी, राइट। उम्मीद करता हूं आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बाकी काफी ज्यादा हमारे पास जो है आपके कॉपी पॉइंट्स आते हैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस के ऊपर, सबके पास वीडियो लेकर आऊँ तो यार वो सब वीडियोस आपके पास बहुत सारे आने वाली। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे रखा है, जाकर चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर कौन कौन सी वीडियो अब तक आ चुकी है और कौन सी वीडियो आपको अगली चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपके कमेंट की बहुत ज्यादा नीड है मेरे को, राइट। आपके एक कमेंट करना आपका मुझे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, राइट। बाकी बहुत सारी चीजें प्लान है, चैनल को नए सब्सक्राइबर से कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यस, इस बार मिलकर एनआईडी एनआईएफटी जैसे एग्जाम क्रैक करने हैं और इस बार उन टॉप को लेकर अंदर एंट्री मारनी है और इस बार क्रैक करके रहेंगे।